हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ईश्वरीज किचन। आज हम देखेंगे पानी पूरी की रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे एक कप बारीक रवा, उसमें 3 टेबलस्पून मैदा डालेंगे, 1 बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच नमक। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे, फिर उसमें डालना है 2 बड़े चम्मच तेल। और धीरे धीरे करके हमें गर्म पानी उसमें डालना है और उसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का डो बना लेना है। डो बनने के बाद इसे हम 30 मिनट के लिए गीले कपड़े में ढककर साइड में रखेंगे। पानी पूरी के लिए तीखा पानी बनाएंगे, उसके लिए मिक्सर में 1 कप हरा धनिया डालेंगे, फिर डालेंगे 1 कप पुदीना, 3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक और 1/2 नींबू उसमें स्क्वीज करके डालेंगे। इन सब की हमें एक फाइन पेस्ट बनानी है। पेस्ट बनाते समय थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर डालें। अब एक बड़े बोल में 3 कप ठंडा पानी डालेंगे। उसी में 10 से 12 आइस क्यूब्स भी डालेंगे और फिर जो पेस्ट हमने बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब जाएगा 1 बड़ा चम्मच काला नमक, 2 बड़े चम्मच पानी पूरी मसाला, 1 जीरा पाउडर 1 बड़ा चम्मच, 1 धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, 1 हींग 1 छोटा चम्मच। हींग से इस पानी में अच्छी टेस्ट आती है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। और फिर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक। हमारा तीखा पानी अब बनकर तैयार है। अब बनाएंगे मीठा पानी। वापस मिक्सर जार में 1 कप सोख की हुई इमली लेंगे, उसमें 5 से 6 सीडलेस खजूर डालेंगे और उसमें 1/2 कप सोख किया हुआ मनुका डालना है। इन सबको फाइन पेस्ट में ग्राइंड करेंगे। इसे हम स्ट्रेन करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे स्ट्रेन करेंगे। अब एक पैन में इसे हम बॉईल करेंगे। इसमें हमें 1 कप गुड़ डालना है और इसे चलाते रहना है जब तक
गुड़ पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं हो जाता। फिर इसमें डालेंगे जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, नमक दो छोटे चम्मच, फिर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच और इन मसालों को पानी के साथ मिक्स करेंगे। जैसे ही ये पानी बॉईल होने लगता है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। फिर जो डो हमने बना कर रखा था, उसे हम वापस नीड करेंगे। फिर उसमें से एक छोटी लोई निकाल कर उसको थिन शीट में रोल करेंगे। फिर यहाँ मैंने छोटे बोल के मदद से ये शीट पर हम पूरी साइज के छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे। यही सेम प्रोसेस हम बचे हुए डो के लिए भी करेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, इसमें हम पूरी डालकर सुनहरा रंग आने तक इसे फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सुनहरे रंग के हो चुके हैं और साथ ही में ये पूरी अच्छी तरीके से बन गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ से ही ये काफ़ी क्रिस्पी बन चुकी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी पानी पूरी अब बनकर तैयार है।